एनके स्टूडियो पर पैदा किए तो हर बड़े गरीब नवा जी जी आ भवानी वास कर मेरे घटके पर देखो परवासा करो ओ मई शुद्ध शब्द मुख मो भाई राम फड़े तो सभी सज्जनों से निवेदन है कि जरा ध्यान से और प्रेम से सुने। ये दो प्रोग्राम इनका उद्देश्य क्या है कि भाई डॉक्टर साहब महेंद्र जी वो पिछले दिनों जब कोरोना काल चला हुआ था उस समय सेवानिवृत्त हुए थे अपनी नौकरी से, तो प्रोग्राम तो होने थे उस समय, लेकिन वो समय ठीक नहीं था, उचित नहीं था, महामारी चली हुई थी, तो बीमारी को देखते हुए ये समय बढ़ा दिया गया। अब कुछ हालात ठीक हैं, तो ये दो प्रोग्राम भाई महेंद्र जी की तरफ से हैं, आज का और कल का प्रोग्राम होगा। कौन सा प्रोग्राम कराओगे भाई?
राम फले भाई खड़ा बिजी हो गया है वो तदा नहीं फिर भी पूछना उचित होता है भाई डॉक्टर साहब महेंद्र जी का भी उद्देश्य है एक तो भाइयों के दर्शन हो मेल मिलाप हो और कल द्वादशी है बाबा श्याम जी के नाम से भी वो कुछ कढ़ाई वगैरह लगाना चाहते हैं तो क्यों ना कथा सुनाई जाए भाई सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई जाएगी श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलिए बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय जय हो पीछे रह गया भाई पीछे रह गया जी और इनका नहीं रहूंगा बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय जय हो इभी रह गया इभी रह गया माड़ा सा रहूंगा बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय श्रद्धा करके श्याम बाबा की जय श्रद्धा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तो हमारी जो ये पौराणिक कथाएं हैं जो सतयुग की कथाएं हैं वो लगभग मिलती हैं किस ग्रंथ में कि जो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा पांडवों को वे कथा सुनाई गई तो पांडव जो वन में थे तो युधिष्ठिर अपने आप को धिक्कार रहे थे चिंता मगन थे तो मार्कंडेय ऋषि आ जाते हैं और उनके चेहरे पर उदासी देखी मायूसी देखी और कहने लगे कि धर्मपुत्र भाई मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी चिंता का क्या कारण है कहने लगे भगवान कौरवों के कहने से हमने जुआ जो खेला वो उचित नहीं था अगर हम उनके साथ ये खेल ना खेलते तो शायद हमारी ये दुर्दशा नहीं होती मैं तो अपने आप को धिक्कार रहा हूं कि हे भगवान हमारी रानी द्रौपदी बहुत दुखी है बार बार उसका अपमान हुआ है हम पांच पति हैं हमारे लिए बड़ी लज्जा का विषय है तो मार्कंडेय जी कहने लगे कि धर्मपुत्र भाई मैं नहीं मानता कि द्रौपदी दुखी है देखिए मान अपमान लाभ हानि यश अपयश ये सब वेदना के हाथ है इसमें इंसान का कोई जोर नहीं होता तो युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान क्या आपने कभी कोई ऐसी बात सुनी या देखी है कि कोई स्त्री इतनी दुखी रही हो जो राजा की पुत्री और राजा के साथ ही उसका विवाह हुआ और फिर भी इतना दुख उसके जीवन में कहा कि हाँ धर्मपुत्र मैंने सुनी है सतयुग की बात है एक राजा सुपति थे यह उनकी कथा है मैं आपको जरूर इसे सुनाऊंगा तो क्या कहा पुत्र कहे
सी दुखी तिरिया मारी और इतनी सुन के मार कंडे में धर्म कथा कर दी धर्म पुत्र के नहीं दुखी कोई किसी दुखी तिरिया मारी इतनी सुन के मार कंडे में धर्म कथा कर दी धर्म पुत्र के नहीं दुखी कोई किसी दुखी तिरिया मारी इतनी सुन के मार कंडे में धर्म कथा कर दी महाराज तेजस्वी जो सूर्य के समान हुए यज्ञ करता और तप करता युद्ध करता हुए गौ ब्राह्मण साधु का प्यारा गुरु चरणों में ध्यान हुए अतिथि सेवा भाज महायज्ञ शास्त्रों के ज्ञान हुए आज्ञाकारी इतनी सुन के मार कंडे धर्म कथा कर दी जारी धर्म पुत्र के नहीं दुखी को जिस दुखी त्रिया मारी इतनी सुन के मार कंडे धर्म कथा कर दी जारी कमी नहीं माया धन में नहीं संतान हुई राजा के फिकर रहा कर काम में और नहीं संतान हुई राजा के फिकर रहा कर काम में संचर मंत्र का जाप किया फिर कठिन व्रत करते भारी इतने सुन के मार ने धर्म कथा कर दी जारी धर्म पुत्र के ही दुखी को जिस दुखी तिरा मारी इतने सुन के मार करता अग्नि में मंत्रों से आती सेंसर बार खरिया करता दिन के छठे भाग में भोजन करके प्यार खरिया करता धारा वर्ष तक यज्ञ हवन तप मन को मार खरिया करता और बारह वर्ष तक यज्ञ हवन तप मन को मार खरिया करता प्रसन्न हुई जल दर्शन दिए दिए बोली सब इतनी सुन के मार किसे कहते हैं अगर इस शब्द का खुलासा किया जाए तो बहुत लंबा चैप्टर बनता है लेकिन दादा ने केवल एक ही शब्द में इसका जवाब दिया कि सती जो पतिव्रता किसे कहते हैं तो ये सती जो करे पति की रात बिना लापेदारी इतनी सुन के मार करे पुत्र के नहीं दुखी को जिस दुखी दुनिया भारी इतनी सुन के मार करे परिवार कुशल मंगल धाराडू गांव में
इस मंच पर आए इसका पूरा गांव धारेडू हार्दिक स्वागत करता है। ताली बजा दी भाई। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, बड़ा नाम कमाया है बाबू दान सिंह। आप सभी परिचित हैं कि यहाँ आसपास में बड़ी मान्यता है इनकी, बड़े अच्छे सांग करते हैं, तो यहाँ आने पर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भाई बाबू दान सिंह जी। सुनाओ जी। 12 महीने में एक दो बार दादाजी के दर्शन हो जाते हैं। हाँ, जो 12 महीने में कुछ करता हूँ, गलती तो हो जाए, कभी कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो इनके दर्शन होते, फिर वो मैं न्यू देता हूँ। जय हो जाए, मानस से गलतियाँ हो जाती हैं, पुतला है ठाकर हार मारा तो गणी हो जाए, मारा तो हो जाए, फिर इनके चरणा में चले जाओ, फिर शुद्ध हो जाए। फिर और सबसे बड़ी बात ये, पंडित जी कह रहे थे, बोला जी बहुत अच्छे दर्शन दिए, मकाम मैं तो खुद दर्शन करने आया हूँ, आकाज एक जगह सारे ब्राह्मण बाबे मिलेगा, सारे आगे करेगा, एक बार एक एक बार करे, अरे एक आदमी के एक बार दर्शन हो जाए सबके। अरमानो देखिए, ये गाना है ये ब्राह्मणों ने पैदा किया, और इन उस्ताद लोगों ने इसको पाल पनास करके इमरासी लोगों ने बड़ा कर दिया इसको, फिर मारे जैसे तो लीक पीटे हैं, मारा के काम गान का है, ये गवा दिए हैं तो हम गा लिया हैं, मारा के मतलब, ये तो संगीत के जन्मदाता हैं ये लोग, बालक से न पाल के बड्डा सारा कर दे हैं संगीत को, ये बैठे खान साहब। जय हो जय हो। फिर मारी के औकात है, हाँ ये कुछ गवा लेते हैं तो हम गा लेते हैं, वरना मार्ग ने कुछ नहीं। बस ये है कि पहले शौक था, उसके बाद में मजबूरी हो गई, और अब धंधा बन गया ये, तो अपने पेट गुजारे के लिए दुनिया करती है। मेरे सांग मदनों दा एक छोरा डांस करने लग गया, और वो डीजे पे बजा रहा है, क्या मैं तेरी नचाई नाचू हूँ। एक बूढ़ा खड़े वैल्यू बोले, यार कमाल की बात है, इतनी अच्छी बात कह रहे थे, और बीच में यो कर दिया। मगा दादा थारे समझण में गलती, यो गलत को नहीं कह रहा है, यो इन बालकों का नहीं हाथ करके ना कह रहा है कि मैं तेरी नचाई नाचू हूँ, या तो न्यू कह, मैं तो तेरी नचाई नाचू की या पेट की नचाई नाचू हूँ। तो हम तो जी पेट खाते रहे, इस खातर नाचते डोला कि मतलब है। लीजिए एक बात आपके सामने, एक पद एक छोटा सा, और उसके साथ आप दादाजी को सुनेंगे, मैं भी इनको सुनूंगा, ललायत रहता हूँ इनके दर्शनों के लिए। सुनिए, आज से लगभग 200 वर्ष पहले आपके ही नजदीक दादरी से आगे सियाना पोता गांव में एक पंडित जी सुखी राम हुए, उनका एक पद समझा रहे थे इंसान को, अरे जवानी है या आज है कल नहीं है, संभल जा, तेरे काम आएगा तो परमात्मा का नाम आएगा। थरे आए अरी सुरता ए रूपे दीवानी आए ए सुरता समझ जा। मैं दादाजी की बात मैं स्टेज पर राजेश ने कहा करूं, भाई ये जवानी मारो मैं भी थी, अरे तेर मार ये समझ जा, हेरी सुरता ए रूपे दीवानी, अरे तेरा वहां मिलेगा भरता।
सुरता ए रूपे ये जवान के ही काम हो बुढ़ापे में तो ठाट दे राम राम करे और की मकरण का बस का ही कोने आदमी का येरी अवतार सारी तेरी रंग पे तेरा
भी मेरा 150-200 से सम्मान किया, सबका बहुत 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 धन्यवाद। हेलो, लीजिए मेहरबानो एक रागनी नुकाया करते हैं भाई, जिसका अन्न पानी खाओ है उसका तो जरूर नाम होना चाहिए। लीजिए एक मेरे गुरुजी की रागनी आपके सामने, और रागनी शाम धर्म देवी का, यानी से 9 महीने के बच्चे को जंगल में ले जाकर के अपने पति को, 9 मास के पति को 12 साल का कर देती है। बाबा के द्वारा एक दिन बता दिया जाता है उस बच्चे को कि बेटा जो तुझे रोजाना नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है ये और कोई नहीं, तेरी अर्धांगनी है, तेरी पत्नी है, 9 मास के को लेकर के आई थी तुझे को। और ये बात बताते ही वो धर्म देवी जंगल से लकड़ियां काट करके और वहीं बाबा के धुने पर आ जाती है, हाथ जोड़ देता है और राजकुमार आ देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पतिदेव मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नहीं देवी मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। पतिदेव आपने जो काम कर मैंने जो काम किया है वो मेरा कर्तव्य था। मैं यह कर्तव्य मेरे माँ बाप का था जो तूने पूरा किया है देवी। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, उनके चरणों की दासी बनकर रहना। लेकिन देवी आज के बाद जो तू करती है वो मैं करूँगा। पतिदेव इन बातों को छोड़ो और पास में आओ, बहुत दिन होगा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। पास नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? नहीं, कितने दिन नहीं आऊंगा? क्या कह दिया गुरुजी ने, कैसे क्या बता दिया? हट्या तो नहीं जाए रंगरी रानी तू रहत जा, हट्या तो नहीं जाए 4 साल तक जा, हट्या तो नहीं जाए रंग जल्दी तो
परिवार बसे, मैं भी दरबारी बनना चाहती हूँ। आपकी इच्छा थी? हाँ जी। क्या कहना चाहती हो? शाबाश। सुकून मिला है? हाँ। पूछ मत। और मैं तेरे क्यों ले गया? क्यों? अकेले सीखेगा? ये तो सही। और ब्राह्मणों के संग से, ब्राह्मणों के संग से, उनके साथ से, उनके आशीर्वाद से आदमी को कामयाबियां मिलती है। जी सुनिए मेरी बात। ठाकुर साहब ने सुनाई और भाई राजेश ने, बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने बहुत मान सम्मान किया। तो आइए आप यहाँ के राजन, आप इसको दुख बताते हो, ये दुख नहीं है। राजा अश्वपति थे, बड़े ही बलवान पराक्रमी। तुम अपने चारों भाइयों पर बड़ा गर्व रखते हो कि मेरा भाई भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन के बाणों में वो ताकत है कि अकेला ही पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन राजा अश्वपति, तुम पांचों भाइयों से कई गुना ज्यादा बलवान थे। उनके यहाँ कमी थी तो किस बात की, क्या कोई संतान नहीं थी? राजा ने संतान की इच्छा लेकर 18 वर्ष तक लगातार तप व्रत भजन किया। उनके 18 वर्ष के तप व्रत भजन से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी से कह दिया कि भगवान, मृत लोक में राजा अश्वपति 18 वर्ष से लगातार तप कर रहे हैं। हे भगवान, मैं उन पर बड़ी प्रसन्न हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा अश्वपति को एक कन्या का वरदान देना चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मुख से कहा कि हाँ देवी, जाइए, मेरी आज्ञा है, राजा को कन्या का वरदान देकर आइए। तो राजा अश्वपति अपनी यज्ञशाला में विद्वान ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक यज्ञ की ज्वाला से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रकट हुई और क्या कहती है? हाँ राजन। तो यह देवी आप कौन हो? मैं ब्रह्मा की शक्ति सावित्री। ओहो, मातेश्वरी के चरणों में राजा अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मेरे लिए क्या क्या है माता? मेरी बात सुनिए। नहीं करना
खुश हो और कन्या तुरते होकर। हाँ ब्रह्मा ने आपको एक वरदान दिया है। एक वरदान दिया है? जी हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि वरदान क्या है? वो आपके यहाँ एक कन्या का जन्म होगा। कन्या का जन्म होगा? हाँ। और संतान की इच्छा लेकर हाँ। और कोई श्रेष्ठ कर्म ना करना और इस धर्म कार्य को ऐसे ही जारी रखना। अच्छा राजन अब मैं चलती हूँ। तो मेरा नमस्कार पुनः फिर स्वीकार हो माता। चिरंजीव रहो। अपने घरे आ गया आनंद से राज सकल प्रजा का पालन करने चांद गगन में दिन दिन कवर ने उर प्या करना चाहे देख देख के राज कवर ने।
नहीं पकड़ा। स्वर्गवासी भगवान मामन पंडित जी दिन के लाडले 600 पाठशाला के नाम 500 पार्टी के नाम 1100 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। धारेडू नगर के दादाजी गिलवासा भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। मानेरू नगर के बीच में रामोतार उर्फ ओता भगवान पहलवान साहब 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। धारेडू नगर के वो 10 दिन की हुई तो हूँ आदि कराई विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया के बताइए आपकी इस गणित विद्या के अनुसार इस कन्या का क्या नाम रखना चाहिए और कैसा इसका भविष्य होगा। तो ब्राह्मणों ने एक मत करके बताया कि राजन ऐसे लगन और ऐसे नक्षत्र में इस कन्या का जन्म हुआ है, कैसे अक्षर पर नाम बनता है, और हमारा तो विचार ये है कि क्यों ना इसका नाम सावित्री ही रखना चाहिए। सावित्री नाम रख दिया। वो कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन दुगुना होता जाता है। युवा हो जाती है, विवाह के योग्य हुई। उसकी अवस्था देखकर राजा ने स्वयंवर की रचना की। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार उस स्वयंवर में बुलाए, लेकिन राजकुमारी जब अपने हाथ में वरमाला लेकर सभा में उपस्थित होती तो उसके मस्तक में इतना तेज था कि जिस राजा और राजकुमार के सामने जाती तो उस तेज को सह ना सकता, अपनी गर्दन झुका लेता और विवाह के लिए इनकार करके वहां से चला जाता। ऐसे बारी बारी सभी राजा महाराजा चले गए। उसका विवाह राजा के लिए एक समस्या बना हुआ था। एक दिन राजकुमारी सावित्री स्नान करने के बाद पर्वत के ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करती है और क्या कहा, ओ सावित्री ने समय पे आके सर चोटी असीना किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का सावित्री ने समय बहा के सर चोटी असीना किया, के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का दान किया, सावित्री ने समय बहा के सर चोटी असीना किया, ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान किया। पंडितों से करा हवन लिया, इष्ट देव से वरदान और धन लिया, इष्ट देव से वरदान और धन धन लिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लिया, सब चोटी स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया, ओ माला इष्ट देव की पाके, ओ अपने पिता की जड़ में जाके, अपने पिता की जड़ में जा
जी हो जी बैठ गया के मुख से नहीं बयान सर छोटी ऊपर जाके अपने मां पुत्री को जवान दे सोचने लागे यतन अनेक सोचने लागे यतन अनेक और मिटती नहीं मिटाई रे ऊंच नीच का दान किया के ऊपर जाके समय पर ज्योति स्नान ऊपर जाके इष्ट देव का दान किया लक्ष्मी चंद ढंग जवानी के सा सुंदर रूप भवानी के भगवान की अपने ऊपर जाके अपने इष्ट देव का दान किया सर छोटी ऊपर जाके अपने इष्ट देव का दान किया। हाँ पिताजी प्रणाम। खुसरा पुत्री क्या मैं जान सकता हूँ इस समय आप कहाँ से आई हो? मैं पर्वत से आ रही हूँ। क्या कोई विशेष कार्य था वहाँ? जी हाँ। क्या? मैं इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई थी। तो बड़ी उत्तम बात है। जी तो जाइए अपनी माँ के पास जाइए। ठीक है। तो राजा ने फिर अपनी पुत्री की तरफ देखा और चिंता बढ़ जाती है कि पुत्री विवाह के योग्य है लेकिन विवाह करने में असमर्थ रहा हूँ, क्या यत्न करूं और कहां इसके योग्य वर तलाश करूं। तो रानी माधवी ने देखा उसके मन में यही चिंता हुई, विचार करती है कि तू राजा से बार बार ये बात याद दिलाती रहे, लड़की विवाह के योग्य है, विवाह करना चाहिए। राजा के पास आकर कहती है, महाराज नमस्कार। हाँ खुश रहो रानी। महाराज मुझे हर वक्त एक बात की चिंता लगी रहती है। हमारे होते हुए चिंता करने की आपको क्या आवश्यकता है रानी? महाराज वो चिंता मुझे नहीं, वो आपको भी होनी चाहिए और हर गृहस्थी को होनी चाहिए। महाराज ऐसी चिंता आपको है? हाँ तो जरा खोल कर बताइए। मेरी बात सुनिए आप। ओ सारी तेरी का कुछ ओ सारी
डांसी बढ़ के ओ क्या उनके मानस मरे कितना शोक। ओहो ये बात है। हाँ ठीक, जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक वो शोक मनाया जाता है, परंतु 13 दिन के उपरांत वो शोक समाप्त हो जाता है। लेकिन विद्वान ये कहते हैं कि जिस घर में कन्या जवान है, विवाह के योग्य है, उसके पिता ने, पिता नहीं है तो बड़े भाई ने उस कन्या का दान भर के हाथ में नहीं दिया, तो जब तक वो जवान कन्या घर में रहती है उस घर में पातक के समान शोक माना जाता है। उस घर के पाप उदय हो जाते हैं, घर में बरकत नहीं रहती। लेकिन सब समय का बदलाव है, समय के अनुसार ही आदमी को चलना चाहिए। वो सतयुग की बात थी, अब कलयुग है जी। दूसरी बात, बात में ना कहती बढ़ चढ़ के, हाँ। सजन क्यों डूबो सौगुण पड़ के, जगत में कन्या दान से बढ़ के, हाँ। और नहीं कोई दान से दे लड़की ने फेरे ना तो हसेंगे जगत के लोग। और नहीं कोई दान से दे लड़की ने फेरे ना तो हसेंगे जगत के लोग। जी महाराज, कहेंगे कि एक इतना बड़ा राजा जी कि दुनिया भर के राजा जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो एक कन्या का विवाह करने में संपूर्ण नहीं है, सामर्थ्य नहीं है जी। रानी, हाँ, एक कन्या का दान महादान कहा गया है, जैसे राजा अश्वमेघ यज्ञ करता है जी, जितना पुण्य उस राजा को मिलता है अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद, हाँ, उतना ही पुण्य एक साधारण आदमी भी प्राप्त कर सकता है जी। कि जिसके घर में जवान कन्या है उस कन्या का दान वर के हाथ में संकल्प करके देने से
उसे भी राजा जितना ही पुण्य मिलता है। जी महाराज। ठीक, अगली बात। पीले भक्ति रस का प्याला, हाँ। रटा कर हरि के नाम की माला, और जोन सा धर्म गृहस्थियों वाला, हाँ। जो समझे ते इंसान से न ते पशु बतेरे रहे से आनंदी भोग। जोन सा धर्म गृहस्थियों वाला जो समझे ते इंसान से न ते पशु बतेरे रहे से आनंदी भोग। जी ये सामने विद्या ने तपो ने दानम ने ज्ञानम ने शीलम न गुणो न धर्म से ते भूवि भारत मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। के जो ये मनुष्य शरीर पाने के बाद अपने जीवन में कभी विद्या ग्रहण नहीं करता, ना कभी अपने जीवन में दान किया, ना तप किया, ना सहनशीलता है, और ना कोई गुण रखता है, ना मर्यादा को जानता है। जी ऐसा मनुष्य इस शरीर में पशु के समान माना गया है। जी हाँ। जैसे पशु में कोई नाता रिश्ता कोई मर्यादा नहीं होती, ऐसे ही वो अनजान मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु अपने वजन से ही जमीन को छोड़ते फिरते हैं, ऐसे ही वो माना गया है। जी आखिरी बात। सीख ले गुरु मान सिंह पे बाणी, हाँ। रहना फिर बल विद्या में हानि, और न्यू बतलाव थे राजा रानी, हाँ। जिनके सच्चे गुरु जी का ज्ञान से, हाँ। हो दिल के दूर अंधेरे कटे जन्म जन्म के रोग। क्या सोचती है? क्या एक बार स्वयंवर की रचना करने के बाद, हाँ। दोबारा कभी मैंने प्रयत्न नहीं किया कि पुत्री के योग्य कोई वर तलाश करूं? महाराज मैं तो यही सोचती हूँ। तुम्हारा ये सोचना गलत है। अच्छा मैंने तो बहुत प्रयत्न किया रानी। कहाँ कहाँ गए आप? परंतु सफलता नहीं मिली। क्या कहा? कहाँ कहाँ गए आप वर तलाश करने के लिए? हाँ। मैं तो वहाँ गया हूँ जहाँ कोई साधारण आदमी नहीं जा सकता, इस पंच भौतिक शरीर के द्वारा। आप वहाँ भी गए हैं? मैं वहाँ भी गया। जरा मुझे बताएंगे आप कहाँ गए हैं? हेलो सुन मेरी बात। हेलो हेलो जोड़ी का पाया महाराज। हाँ। जगत और जिहान में भी अंतर होता है। बस इसी उलझन में फंसी हुई। हाँ। रानी हम जो अपने नेत्रों से देख सकते हैं, हाँ। वो जगत है। जी लेकिन इस ब्रह्मांड में अनेकों स्थान अनेकों लोग ऐसे हैं, ना तो हम अपने साधारण नेत्रों से देख सकते हैं और ना शरीर के द्वारा वहाँ जा सकते। आप वहाँ भी गए? मैं वहाँ भी गया हूँ योग के द्वारा। बताइए मुझे। ओ भूर भुव सवे जन तप सत्य लोक सत्तु तो पैताल तोहे फिरा बिना रोक टोक जोड़ी
दिव्य का प्रकाश रहे और पिंडली के शेष नाथ जनवासु की भी खास रहे। वहां पर कोई भी जा सकता चाहती हाँ। है। मैं फिर लिया जगत जिहान मैंने वर जोड़ी का पाया। अच्छा कहाँ कहाँ गया कहाँ कहाँ गए ओम भोर भय सहजन तब सतलोक सातु तो पैताल टोए फिरा बिना रोक टोक हाँ। और दसों दिग्पाल देखे जो पृथ्वी की डाटे झोंक अच्छा। अष्ट वसु सप्तऋषि जो दुनिया के समारे काम ग्यारह रुद्र चौदह मनु
जिनके न्यारे न्यारे नाम हाँ। और बारह आदित्य रहते जहाँ होते नहीं सुबह श्याम। अच्छा रानी हाँ। जब मैंने इतना प्रयत्न कर लिया और सफलता ना मिली तो किस परिणाम पर पहुँचा, किस नतीजे पर पहुँचे आप? हे प्रभु तेरा लिखा हुआ टोलता ना, तेरे बिन पत्ता तक हिलता ना हाँ। मने वर जोड़ी का मिलता ना जी। कुछ जची नहीं मेरे ध्यान में, मैं वहाँ से भी उल्टा आया, फिर लिया जगत जिहान में ना वर जोड़ी का पाया। सुरगपुरी घूम घूम देवताओं का राज देखा, अंगिरा कुबेर वरुण यम का समाज देखा, दिव्य रूप न्यारे न्यारे मने इंद्र के सिरताज देखा, रमणीक द्वीप जहाँ नागोई का वास रहे, मणिकणि धारण करना दिव्य का प्रकाश रहे, और पिंडलिक शेष नाग जहाँ वासु की भी खास रहे। वहाँ पर भू कोई जा सकता ना और जा का युद्ध मचा सकता ना, अगर युद्ध करे तो उल्टा आ सकता ना, ऐसी क्या शक्ति है उनमें? मारे भूख जवान में जिनकी भरी जहर से काया, मैं फिर लिया जगत जिहान में नवर जोड़ी का पाया। भाई 60,000 ऋषि बाल खिल ज्ञान करें, सूर्य के श्यामी खड़े हुए तब ध्यान करें, 7 छंद 6 अंग जो रूप की पहचान करें। प्रियवर दुतान पाद भाई ध्रुव जी दिल डाट गए हाँ। कदाव कपिल मुनि ऋषभ देव भी नाट गए, जिन्हें प्रचेता की पदवी पाई वो दोष गुण छांट गए। अच्छा। जिन्हें पानी अन्न खाना ना अच्छा। और लेकर जन्म फिर आना ना, इसी उन्हें ब्याह शादी की जाना ना, ऐसी क्या शक्ति थी महाराज? रहे सनक सनंदन अलग ज्ञान में, तजी हरी भजन से माया, फिर लिया जगत जिहान में ना वर जोड़ी का पाया। भूत और प्रेत जिनकी योनी सब डाल देखी, हरिया माँ का लोक देखे, मारू तो की चाल देखी, ध्यान में बेजान पड़े ऋषियों की भी टाल देखी हाँ। 68 तीर्थ 28 पर्वत सुमेरु और मारकंड हाँ। 52 वर्ष 14 भवन 7 द्वीप 9 खंड लक्ष्मी चंद के घूम घूम मने देख लिया सब ब्रह्मांड। अच्छा। तेरा अनुमान कड़े से और बिन समझे ज्ञान कड़े से, भाई गावन यहाँ तेरा ध्यान कड़े से हाँ। खड़ा होकर देख मैदान में तेरे कर दू मन का छाया, मैं फिर लिया जगत जिहान में ना वर जोड़ी का पाया। महाराज सावित्री हाँ। के लिए कोई वर नहीं मिला महाराज, अब क्या होगा? क्या होगा हाँ। बहुत चिंता की मैंने भी, लेकिन मैंने तो संतोष कर लिया। कैसे? और निर्णय भी ले लिया। इस बात का कि मेरे तेरे चिंता करने से कुछ नहीं होगा रानी, वही होगा जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया। ये तो है। मैं तुझसे भी कहता हूँ कि चिंता का त्याग कर और भगवान के नाम का ध्यान कर। ठीक है। वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। ठीक है, भगवान पर ही छोड़ दे तो जाइए हाँ, पुत्री को मेरे समीप भेजना। ठीक है महाराज, जाइए। प्रणाम महाराज। हाँ बेटी सावित्री, प्रणाम, जाओ अपने पिताजी के पास जाओ। ठीक है। हाँ पिताजी प्रणाम। खुश रहो पुत्री। जी पिताजी। किसी विशेष कार्य के लिए आपको याद किया है? हाँ तो बताइए क्या क्या है मेरे लिए। पुत्री आप जानती हो जी कि ब्रह्मा की शक्ति सावित्री के वरदान से आपका जन्म हुआ जी। जब तुम विवाह के योग्य हुई जी तो मैंने स्वयंवर की रचना की जी, लेकिन तुम्हारे मस्तक के तेज को देखकर सभी राजा राजकुमार मस्तक झुकाकर मना करके चले गए जी। पुत्री जी तुम्हारा विवाह मेरे लिए समस्या बना हुआ है जी। संतान का भी कोई दायित्व कोई कर्तव्य कोई धर्म बनता है कि माता पिता किसी कार्य के करने में असमर्थ रहे हों जी, तो संतान को माता पिता का सहयोग करना चाहिए जी। पिताजी मेरे लिए तो पुत्र भी आप हो और पुत्री तो हो ही जी, दूसरा मेरा कोई नहीं है, तो बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। पुत्री मैं आपकी सहायता चाहता हूँ जी, विवाह के संदर्भ में जी। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। Yeah!
का पते और ब्रह्म हत्या तलाश जी। ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी जी। तीसरे आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है पिताजी, तुम्हारी रक्षा का भार अपने विश्वास पात्र मंत्री पर छोड़ता हूँ जी। मंत्री जी। महाराज नमस्कार। खुश रहो, ये राजकुमारी तीर्थ यात्रा करना चाहती है। ठीक है महाराज, जितना धन चाहते हो मेरे निजी कोष से ले जाओ, इनकी रक्षा कीजिए, इनके साथ जाइए। एक सेना की टुकड़ी लेकर जाइए। जैसे बहुत सा रुपया दिया बूढ़ा मंत्री और बुद्धिमान बलि मेरे पिता को शीशे झुका शर्मा के भारत में बैठे चली। मेरे पिता को शीशे बात है। हर इंसान को जरूरत है ध्यान से सुनना,
भाई भाई से बात नहीं करता, सबके धर्म क्या है, कुटुंब के दुख सुख में साझी खुद होना चाहिए, धर्म कर्म में हो सब मिल कुकर्म ना होना चाहिए, सुखो मात पिता ने नींद भर जब सोना चाहिए, सावित्री करे फिकर पति कित टोना चाहिए, गुरु मान सिंह की लक्ष्मी जंतु लगा प्रेम से छाप, विवाह की इच्छा करके करण को आया न मेल मिलाप। तो सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर चली, विश्वास पात्र मंत्री उनके साथ एक सेना की टुकड़ी लेकर, तो तीर्थ स्नान करती रही, रास्ते में जितने भी तीर्थ आए वहां स्नान किया, मांगते भूखों को दान दिया। महीना भर गुजर जाते हैं लेकिन कामयाबी ना मिली, सफलता ना मिली। अब दुखी मन से मंत्री से कहा कि मैं वापिस राजमहल में चलना चाहती हूँ, तो मंत्री ने रथ को घुमा दिया। अब उनसे रास्ते से चले जा रहे थे तो एक आश्रम दिखाई दिया। सावित्री विचार करती है कि ऋषि का आश्रम है, उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर चलूंगी। आश्रम में जा पहुंची, देखा कि ऋषिवर अपने आसन पर विराजमान थे, उनके कई शिष्य इधर उधर काम में व्यस्त थे, उनका एक बड़ा ही प्रिय शिष्य उनके समीप उनकी सेवा में उपस्थित था। जब राजकुमारी ने जाकर नमस्कार की तो ऋषिवर ने कहा, बताओ पुत्री कौन हो, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? पहले आश्रम के बारे में जाना कि गौतम ऋषि का आश्रम था। तो सावित्री ने अपना परिचय दिया कि भगवान मैं राजा अश्वपति की पुत्री हूँ, तीर्थ स्नान के लिए आई थी, आश्रम दिखाई दिया तो विचार किया आशीर्वाद लेकर जाऊंगी। तो ऋषिवर ने पुत्री के समान आदर किया, अपने प्रिय शिष्य से कहा कि जाओ भाई, राजकुमारी आई है, इनके लिए जल और फल का प्रबंध करो। अरे तो उनका जो बड़ा प्रिय शिष्य था अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजकुमारी के लिए जल फल का प्रबंध करने के लिए वहां से चला। राजकुमारी ने एक नजर उसे देखा और ऋषिवर से पूछा कि भगवान ये लड़का कौन है, मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि पुत्री इसके पिता का नाम दुमत्सेन है, कभी वो भी राजा हुआ करते लेकिन नेत्रों से अंधे हैं, नेत्रहीन है, नेत्रहीनता के कारण दुश्मनों ने उनका राजपाट हथिया लिया। उस समय ये हमारे आश्रम पर आकर रहने लगे, सत्यवान इसका नाम है, इसके माता पिता दोनों यहीं रहते हैं कई वर्षों से। अब ये लड़का पढ़ लिख कर जवान हुआ है तो जब तक वो जल फल लेकर आ जाता है, सावित्री ने वहीं अपने मन में ये संकल्प किया के पति वरूंगी तो सत्यवान को। ऋषिवर से आज्ञा लेकर वहां से चली, राजमहल में पहुंची। राजमहल में राजा अश्वपति के पास देवलोक से नारद ऋषि आए हुए थे और आपस में क्या बातें हुई। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि नारद को राजा अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। चलंजीव भैया भगवान आसन ग्रहण कीजिए, आपके लिए जल फल की व्यवस्था कराता हूँ। सब बातों से आनंद है राजन, सभी बातों से आनंद है। हाँ
सभी बातों से आनंद है, सभी बातों से आनंद है। अब उसी वक्त राजकुमारी प्रवेश करती है राजमहल में, अपने पिता को मुनिवर को नमस्कार किया। हाँ पिताजी प्रणाम। हाँ खुश रहो पुत्री आइए। मुनिवर प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन। ये सुता कौन है? आप ही की पुत्री है भगवान। चिरंजीव लड़के को कहते हैं। कितने वर्ष हमने हाँ कर दिया विवाह। हे भगवान विवाह तो मेरे लिए समस्या बना हुआ है। क्यों? मैंने अपनी पुत्री को खुद आज्ञा दी थी कि जाओ पुत्री अपने योग्य वर तलाश करो। अच्छा अभी अभी आपके सामने आई है और हाँ? आपके सामने ही इस बारे में बात करते हैं। हाँ पुत्री। जी पिताजी। जिस कार्य के लिए आपको आज्ञा दी थी जी उसमें कोई सफलता मिली या नहीं मिली? हो जट्टी हाथे जोड़ के आई है कहां से लड़की गई थी ये किसका जी शादी नहीं करी इसकी देखते ही आवे लागी शादी नहीं करी इसकी देखते ही आवे लागी मेरी तो समझ में इसका कोई नहीं आया पति ढूंढने गई थी कौन हृदय में समाया पति पूछ लो इसी से कोई अपने मतवर हो अपने मतवर
नारायण नारायण। हे बलवंत, हाँ आपको तो इस संसार की हर बात का पूर्ण ज्ञान है। हाँ, जो कुछ राजकुमारी ने कहा, हाँ आपने सुना? वो मैंने सुन लिया। मैं इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी राय क्या है? और इस कन्या ने पाप किया, राजन पहले बतला दी, सत्यवान है नाम जिसका, माता पिता सत्यवादी, ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी शादी। ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी शादी। क्या वो लड़का रूपवान गुणवान बलवान या विद्वान नहीं है? रूपवान गुणवान बलवान विद्वान, अक्षम तेज सूरवीर, पितरों का प्यारा जान, सूर्य कहो इंद्र कहो बृहस्पति संग बुद्धिमान, सूर्य कहो इंद्र कहो बृहस्पति संग बुद्धिमान। और फिर राजा ने हो, और राजा ने हो, और फिर राजा ने अस
अश्विनी कुमार जैसी चंद्रमासी सियान प्यारी तबका कलेश है सूरवीर ब्रह्मचारी हाँ सत्यवादी सबका मित्र धैर्यवान लाजधारी हाँ और भी तो आपने कुछ कहा था हाँ दूसरों के गुणों के माँ दोष ना लगाने वाला मर्यादा से अचल भी है सीधा मृदु भोला भाला शील वृद्ध तप वृद्ध ऋषियों ने कथ डाला हाँ कहे लक्ष्मी चंद जिसके हृदय में बसती शांति और समाई जठा जोड़ के लड़की ने नार झुकाई परंतु भगवान हाँ आपने तो मुझे समस्या में डाल दिया कैसे राजन एक तरफ तो आप उसके गुणों का इतना बखान करते हो कि हाँ करते ही जा रहे हो हाँ और दूसरी तरफ आपने ये कहा इस कन्या ने पाप किया राजन पहले बतला दी सत्यवान नाम जिसका माता पिता सत्यवादी हाँ और ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी शादी जब इतने गुण हैं उसमें फिर भी विवाह करने में क्या पति क्या दोष है राजन लड़का जो है वो अल्प आयु है हाँ उसकी आयु की कोई तो सीमा होगी हाँ सीमा बता है बता सकते हो कि उसका जीवन कितना बचा हुआ है राजन आज से आगे सिर्फ एक साल जिएगा बस हाँ नारायण 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 फिर तो इस शादी के बाद तोड़ देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है हाँ अब मैं राजकुमारी से इस बारे में राय लेता हूँ हाँ ले लीजिए आपने उचित कहा उसके साथ विवाह करना ठीक नहीं है हाँ हाँ पुत्री जी पिताजी जो कुछ देव ऋषि ने कहा आपने शायद सुना होगा जी हाँ कि आपने जिस लड़के को अपने योग्य चुना है जी वो अल्प आयु है जी उसका जीवन तो केवल एक वर्ष का बचा हुआ है जी पुत्री जी उसके साथ विवाह करने का विचार यही छोड़ दीजिए हो मेरे सर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे बात मर जाएगा जी फिर कैसे विवाह करूंगी हो बेशक मरो जगती मरता है पर साची कहे बिना ना सरता है तू धरो, 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 त
लिया मने एक पट्टी भर लिया दुनिया कितने ही सुना आपने क्या कहा है पुत्री जरा एक बार फिर बताओ मेरे सिर पे झूठा मंदा दोष क्यों धरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो चाहे जियो चाहे मरो जी पहली बात बेशक मरो जगत मरता है हाँ। पर साची कहे बिना ना सरता है कैसे? पर दरखत एक बार गिरता है हाँ। चाहे डूबो चाहे तिरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो दूसरी बात जगत में हो एक बार हो कन्या का दान तान की हो से एक जबान मेरा पति सत्यवान ज्यादा दुखी ना करो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो पहले मन से विचार छूटता फिर पानी का भ्रम फूटता पर्वत एक बार टूटता चाहे कितने नीचे जा गिरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो यो छंद लक्ष्मी छंद ने धर लिया मने भी मन से संकल्प कर लिया क्या मने एक पति वर लिया दुनिया कितने ही वरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो आ जाओ आओ आओ भाई साहब आ जाओ हेलो खुशी का दिन है कि हमारे छोटे भाई महेंद्र सिंह डॉक्टर आज से 1.5-2 साल पहले रिटायर हुए थे उस टाइम ये कोरोना का ऐसा मौका आया कि ये प्रोग्राम नहीं हो सका और फाइनल तो कर रखा था लेकिन समय के अनुसार उस आफत में आ गए तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया अब ये भाई साहब ने हमारे भाई रामफल और डॉक्टर महेंद्र सिंह उमेद सिंह नथुराम ये हमारे छोटे भाई हैं इन्होंने ये प्रोग्राम रचा इस खुशी में और भी खुशी बढ़ गई कि हमारे बीच में बाबू दान सिंह भी पहुँचे जिन्होंने आकर हमारे मंच की बड़ी शोभा बढ़ाई हम बार बार बाबू दान सिंह का धन्यवाद करते हैं और जितने भी भाई आए हुए हैं हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हम उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और भाई विष्णु तो एक ऐसा है ये 24 घंटे भाई बीच में ही रहता है एक घर का भाई हो रहा है लेकिन हम बाबू दान सिंह को भी अपना घर का ही एक मानते हैं इसमें कोई भी हमने भाई विष्णु और बाबू दान सिंह में हमने कोई अंतर नहीं है दोनों हमारे लिए समान है हम इनका दोनों का और इनकी पार्टियों का हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे और गांव की तरफ से इनको आशीर्वाद देते रहेंगे जय हिंद जी हाँ के पति वरोगी तो सत्यवान को जी वरना नहीं जी मैं देव ऋषि से फिर राय लेता हूँ हाँ देव ऋषि कही राजन भगवान राजकुमारी कह दिया कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी मैंने संकल्प किया है आप कहते हो कि लड़का लपाई हूँ अब मैं क्या करूँ इधर जाता हूँ तो कुआ है इधर जाता हूँ धीरा है मेरा मार्गदर्शन करो तुम मेरी बात सुनिए राजन चार
यू हो धर्म सार की जिसने खबर हो धर्म सार की वो है डुबेगा जो शर्मदार की अकाना करी जा भाई नारद जी बोले चाहिए राजन। अच्छा मुहूर्त है, शुभ लगन है। हाँ शुभ लगन है, तो चिंता ना करूं। लगन मुहूर्त बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करो। ठीक है भगवान, ठीक है। नारायण 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 नारायण। ओ नारद ऋषि ये कहकर के राजन विवाह और अभी होना चाहिए, शुभ लगन है, अच्छा मुहूर्त है, चिंता ना करो, और अपने लोक की तरफ चले गए। रामधारी पन जी शर्मा जी दादाजी है भगवान शेर सिंह जी के लाडले 600 रुपए पाठशाला के नाम 500 पार्टी के नाम 1100 रुपए का नाम शर्मा जी दादाजी भगवान 500 पार्टी के नाम 100 पाठशाला के नाम राजा सोपति उसी समय विवाह की सारी सामग्री तैयार करवाते हैं
कुछ गहरा वस्त्र लिया, अपनी पुत्री को साथ लिया और कुछ ब्राह्मण लिए, गौतम ऋषि के आश्रम की तरफ चल पड़े। क्या कहते हुए बात है, जो इतने बड़े सम्राट हैं, वो इस आश्रम पर आए हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उन्हें आदर सहित लेकर आओ। क्या कहते हैं राजा अश्वपति शरण में जाकर? राजा दुमसेन के चरणों में अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। खुश रहो राजन, आइए राजन, बैठिए। बैठिए राजन। पहले तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह मंगा देता हूँ। ठीक है राजन, सभी बातों से आनंद है। तो बताइए आप किस कार्य के लिए मेरे पास में आए? राजन, आपका लड़का जो सत्यवान है, हाँ? और हमारी लड़की सावित्री, हाँ? हम उसकी शादी आपके लड़के सत्यवान से करना चाहते हैं। राजन आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। हम नेत्रहीन राज से भ्रष्ट, नेत्रहीन राज से भ्रष्ट, हाँ? इसी के साथ खाकर, हाँ? गुजारा करते हैं। अच्छा, आप कहीं और देख जाइए, किसी राजकुमार को देखिए। नहीं राजन, नहीं, हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है सिर्फ आप ही के लड़के से। राजन, हाँ? राजशाही पोशाक, हाँ? खाली संकल्प से कुछ नहीं होता, जीने के लिए सब कुछ चाहता है। मेरी बात सुनिए। सुनाइए।
हेलो बड़े मैं आ गया साथ लुगाई हाँ। मेरा एक बालक कर से पढ़ाई रे मेरा एक बालक कर से पढ़ाई भाई तुस मन धरी लुटे रे जिनका उनका ना कोई मित्र सब दरिया से मन मारा हो छुटे दुनिया हो सुना आपने राजन मैंने सुन लिया है लक्ष्मी चंद बीर हो नरम हाँ बिन जागा भूख प्यास में मरम और भाई धर्म बजा खुट्टे जिनका जिन सब दरिया से मन मारा हो राजन लक्ष्मी चंद बीर हो नरम बिन जगह भूख प्यास में मरम धर्म बंजा खुट्टे जिनका जिन्हें सब तरिया ते मन मारा हो राजन हाँ आप मेरी बात सुनिए सुनाइए सुनो जोड़े
200 कोस परे ना Yeah.
शर्मा जी दादाजी है भगवान प्रदीप पंडित जी ने के लाडले 500 पाठशाला के नाम 100 पार्टी के नाम 600 रुपए का नाम आनंद करियो जी। भिवानी नगर के भाई भी है जिनका भी कोई चलन एनके स्टूडियो है भगवान 100 रुपए का इनाम आनंद करियो जे हो। रोहतक की नगरी के हे बीच में एनडी भारत स्टूडियो है भगवान 100 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। भाई अभी अभी हमारे बीच में हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव उमरावत से भाई हनुमान कौशिक जी अभी आए हैं दर्शन दिए तो यहाँ पर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन है स्वागत है। हाँ राजन आपने सुन लिया ना? हाँ मैंने सुन लिया तो मैंने कहा ना आपको कहीं और जाइए को राजकुमार देखिए। नहीं राजन हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है ना सिर्फ आप ही के लड़के से है हमारे लड़के से है। हाँ। लेकिन राजन आप थोड़ी देर ठहरिए। हाँ। मैं अपने लड़के से राय ले लेता हूँ। हाँ राय लीजिए आप। हाँ विद्यारे रहे हैं। हाँ भाई सत्यवान जिसके सपने हमें रोज आते। हाँ भाई सत्यवान हाँ पिताजी नमस्कार चिरंजीव रहो। हमारे आश्रम पर राजा अश्वपति आए हैं। ओहो बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए क्या आज्ञा है? वो अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। ओह तो आपने क्या कह दिया इस बारे में? मैंने तो इनकार कर दिया। हाँ मेरी यही राय है पिताजी। हाँ लेकिन वो मानते नहीं। मानते नहीं है वो कहते हैं कि हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है। हाँ वो आपके पुत्र सत्यवान से है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या दो बात मैं भी उनसे कर सकता हूँ? हाँ चल आजकल तो छोरी खुद कर जाए भाई चलो। राजन नमस्कार। खुश रहो राजकुमार। ए राजन। हाँ? आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? जी हाँ। आपके और आपकी पुत्री की आपस में कोई शत्रुता तो नहीं है? कोई नहीं है। फिर आप ऐसा क्यों करते हो? हम तो ऋषि के आश्रम पर रहकर फल पात आदि खाकर गुजारा करते हैं। हाँ? राज से भ्रष्ट हैं। हाँ? मेरे पिता भी नेत्रहीन है। हाँ? मैं उनके योग्य नहीं हूँ। कोई और राजकुमार तलाश कीजिए। नहीं राजकुमार हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है ना वो सिर्फ आप ही के नाम से है। फिर वही संकल्प संकल्प। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए पिताजी। हाँ? संकल्प का तो बहुत बड़ा महत्व होता है और आप नकारते हो जो सब कुछ जानते हो। क्या महत्व होता है भाई? इंसान सच्चे मन से हाँ? दृढ़ संकल्प करता है तो भगवान को भी पा लेता है। अच्छा। हाँ यानी कि दृढ़ संकल्प से भगवान को पा लेता है। पा लेता है। फिर हमने भाई संकल्प के मतलब को समझ लिया। कैसे? जब इंसान भगवान को पा लेता है तो सत्यवान पाना तो बहुत आसान है। राजन। हाँ। लड़की से को वरमाला डाल। नहीं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है पिताजी। बात संकल्प आ गई बस छोड़ो। हे राजन मैं इस योग्य तो नहीं था लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि इस योग्य समझ लिया जी। हे राजन। हाँ। आपने मेरे कंधों पर जो गृहस्थ आश्रम का भार सौंपा है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण बाकी हैं। हाँ। मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार इसे निभाऊंगा। खुश रहो राजकुमार हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। खुश रहो। तो विधि विधान के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। एक तरफ राजा सोपति दुमत सैन अन्य ब्राह्मण बैठ जाते विदाई की रस्म अदा करने लगे तो सावित्री अपने ससुर के पैर छूने के बाद अपनी सास की शरण में जाती है। सत्यवान की माँ बहू को देखकर बड़ी प्रसन्न थी। क्या कहती है? खुश रहो प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम।
तुम्हारे ससुर हैं। ये तेरे ससुर हनुमान कौशिक जी 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी। उमरावती नगर के भूरा फौजी पणजी शर्मा जी हैं भगवान। दादाजी 200 रुपए का इनाम राजा अश्वपति उन ब्राह्मणों को साथ लेकर वापस अपनी राजधानी में चले गए। सावित्री विचार करती है कि ऋषि का आश्रम है और तू तो राजशाही पोशाक पहने हुए है, ये शोभा नहीं देती। वो वस्त्र बदल दिए, अपने गले में जो 9 लखा हार पहने हुए थी वो उतार कर अपनी सास को देते हुए क्या विनती करती है। Yeah.
के प्यारो
कहा के बड़े बड़े हो गए जमी पर धरे हुए धन रह गए, बहुत सी माता पुत्र बिन गणे माता बिन रह गए, कहे लक्ष्मी चंद्र जी धनवा आगे लागे सन रह गए, बाकी फिकर करे जब पति की उम्र के कुल चार अख दिन रह गए। हे भगवान डूबती नैया धरु भार लिए, ले सासु संगवा के धर ले नौ लखा हार लिए। तो जब वर्ष पूरा होने में चार दिन बाकी रहे, सावित्री की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि नारद ऋषि ने जिस दिन ये कहा था कि आज से आगे केवल एक वर्ष जिएगा, सावित्री ने उसी दिन से दिनों को गिनना शुरू कर दिया था। चार दिन बाकी रहे, चिंता बढ़ने लगी। वह दिन भी गुजर जाता है तो तीन दिन जब बचे, बड़ी दुखी थी कि पता नहीं मेरे जीवन में ये तूफान किस समय आ जाए। भगवान सूर्य के सामने खड़ी होकर अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करती है, क्या कहा, yeah.
Baby,
यहाँ क्या कर रही हो सावित्री? मैं तो बस ये देखने आई थी कि आप सो रहे हो या जाग रहे हो। क्या समय हुआ होगा? ब्रह्म मुहूर्त 4 बज गए। ब्रह्म मुहूर्त हो गया? जी हाँ। तो जा माँ को दिशा मैदान से निवृत्त करा और स्नान करा, फिर खुद भी स्नान करना। आज गुरु की आज्ञा है, मुझे और तुम्हें दोनों का हवन में शामिल होना है। ओम के प्रेम नार के बड़े जी विचार के हाथ सूर्य चढ़े, विचार के हाथ सूर्य चढ़े, फिर ब्राह्मण मंत्र पढ़े उनने भी घी डाला। बाबा का जन्मदिन भी है और मंदिर में रात्रि का जागरण भी है, जो आना चाहते हो आना। तो वो रात्रि गुजरी, ब्रह्म मुहूर्त होते ही सभी ने स्नान किया, हवन शुरू हो जाता है। सत्यवान सावित्री दोनों हवन में शामिल हुए। तो हवन पूर्ण होने के बाद सत्यवान का प्रतिदिन का नियम था कि भुवन में जाकर हवन के लिए सुविधा और गुरु माता पिता के लिए फल पात लेकर आया करता। सावित्री विचार करती, आज वही दिन है जो नारद ऋषि ने बताया था, आज मैं अपने पति को एक पल भर भी अपने से अलग नहीं रहने दूंगी। जब सत्यवान मन की तरफ बढ़ने लगा तो मार्ग रोक लिया और क्या कहती है? ठहरिए महाराज। क्या हुआ महाराज? प्रणाम महाराज, आप कहाँ जा रहे हो? ओहो, बहुत गलत किया। क्या हुआ? हमारे समाज में इस बात को अपशगुन माना जाता है। किस बात को? अगर कोई इंसान अपने घर से किसी कार्य के लिए निकले जी, और दूसरा इंसान उसे मार्ग में टोक दे जी, और अगर मैंने पूछ लिया है तो आप बता दीजिए आप कहाँ जा रहे हो? तो मेरा कोई नया कार्य नहीं है जी, प्रतिदिन का नियम जी, मैं वन में जाकर माता पिता गुरु के लिए फल पात और हवन के लिए समुद्धा लाता हूँ। क्या वन में जा रहे हो? हाँ। तो महाराज मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। तुम्हें? जी हाँ। वन में? जी। क्यों, आज क्या कोई खास बात है? हाँ मेरी बात सुनिए। हो किस हो पिया मैं भी चलूंगी थारे साथ, एक मत जाइए बन में छोड़ना, अलग नहीं तन में बता दे तू भोजन क्यों ना पती, मैं भी चलूंगी थारे साथ एक ला, मत चाहिए बन में छोड़ना। ये लोग मेरा भरम थोड़े के
अलग नहीं जाती। मैं सुन रहा बात रुकी मैं छेड़े मत न जगे सामने जिक्र नहीं किया इस बात का महाराज, लेकिन मैंने खुद अनुभव किया कि तूने तो कई समय से भोजन ही ग्रहण नहीं किया। अच्छा ऐसी बात है? जी हाँ। कैसे? सुनिए मैं क्या चाहती हूँ। क्या चाहती है बेटी? बता, बोल के बता।
कथा करके जासे जीसु
चाल पड़ी ससुर की सुन के चाल पड़ी पिया के साथ हृदय ऊपर रहे खटकती नारद जी की बात और जिसका गोरा गाल पड़े थी मत जो बन की झोले हृदय में पूरा नहीं किसे ने तोल और सुसर की सुन के हंसी चली तन कर डामा डोल पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने तोल फल फूलों में लटपटी दोनों वीर मरद डोले श्री नारद जी के वचन नार के हृदय ने छोले ओ जामोर पपीले कोयल बोले मीठे मीठे बोले पत्ती कल्पित में पूरा नहीं किसे ने तोल सुसर की भूल के हंसी चली तन कर डामा डोल हृदय में पूरा नहीं किसे ने तोल कई नदी और कई पे पर्वत कहीं गहरा बन हो गया कुछ याद पहले दी ख्याल पति का व्याकुल तन हो गया ओ चलो दरिया का मन हो गया ये दो दो दुख कण मोले पति का दुख ओ सुसर की सुन के हंसी चली पर कर डामा डोल पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने तोल और तोड़ के डलिया भरी कट्ठे फल करके लक्ष्मी चंद के लड़ी का लकड़ी कट्ठे फल करके इतने काल बली ने छल करके सिर आन बजाया ढोल बदिया दुख रे में पूरा नहीं किसे ने
आश्रम में तो पल्ले से मारे चक्कर चढ़ा गिरूंगा, गलती का काम बना मेरे पे मैं उसका दंड भरूंगा। लकड़ी काट करके तो जा ओ ऐप सबाबे घमंड दुनिया में हीना बन के हो जा। ले कोटे सी से धरू साजन में आवाज करू तू सो जा जे इसी सती हो सत्यवान अचेत हो जाता है। नारद ऋषि ने एक वर्ष पहले जो वचन कहा था वो सत्य हुआ। अब सावित्री अपने पति के सिर को अपने घुटने का सहारा देकर बैठ जाती है, सिर दबाती रही और मन में यह विचार कर रही थी कि अब ये देखना है वो कौन सी शक्ति है जो मेरे यहाँ पर रहते हुए मेरे पति के प्राण लेने के लिए यहाँ आएगी। ठीक एक मुहूर्त के बाद सावित्री ने अनुभव किया कि एक बहुत बड़ा दिव्य शरीर काले वस्त्र पहने हुए लाल जिसके नेत्र और हाथ में फांस लिए हुए अपने पति के मृत शरीर के पास खड़ा हुआ अनुभव किया। अपने पति के सिर को जमीन का सहारा दिया, साहस करके उठी और क्या कहती है? हाँ जी कहिए, आप कौन हैं? हे देवी जी, तुम मुझे देख सकती हो? हाँ मैं देख सकती हूँ आपको। अपने साधारण नेत्रों के द्वारा? जी। वाह, धन्य हो देवी, धन्य हो। लेकिन आप कौन हो? सुनकर डर जाओगी। नहीं, जब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं डरूंगी, आप बताइए। इतना साहस है? जी हाँ। तो मुझे यमराज जान देवी। भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ और साथ ही ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके आने का कारण क्या है? नहीं सह सकोगी देवी। मैं सह लूंगी, आप बताइए। सह सकती हो? जी हाँ। तो आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि समाप्त हो चुकी है। जी, मैं स्वयं यमराज आपके पति के प्राणों लेने के लिए यहाँ आया हूँ देवी। लेकिन भगवान मैंने तो ऐसा सुना है। कैसा? कि मृत लोक में जब किसी व्यक्ति के प्राण लेने के लिए आपके दूत आते हैं। हाँ। लेकिन आप तो स्वयं आ गए भगवान। हाँ, यह ठीक सुना है देवी। जी। जब मृत लोक में किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके प्राण लेने के लिए मेरे दूत आते हैं। जी, परंतु मैं स्वयं क्यों चला आया? जी हाँ। यही जानना चाहती हूँ ना। जी, तो देवी संसार में जितने भी प्राणी हैं क्या सब की शक्ल एक जैसी है? जी नहीं। सूरत एक जैसी है? जी नहीं। रंग रूप एक जैसा है? जी नहीं। चाल चलन एक जैसा है? जी नहीं।
बात करने का ढंग एक जैसा है जी नहीं, क्या विचार एक जैसे हैं जी नहीं, तो फिर कर्म भी एक जैसे नहीं है देव जी, कर्मों में विभिन्नता है जी, कैसे ये मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है जी, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं जी, क्योंकि मनुष्य शरीर पाकर जी ये मनुष्य तप कर सकता है जी, यज्ञ कर सकता है जी, दान कर सकता है जी, परोपकार कर सकता है जी, परंतु ये मनुष्य शरीर पाने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते हैं जी, बुरे वचन बोलते हैं जी, मदिरा पान करते हैं जी, मांस भक्षण करते हैं जी, माता पिता की सेवा नहीं करते जी, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते जी, गुरु को भगवान के बराबर नहीं समझते जी, जो पर स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं जी, सदा सत्य वचन बोलते हैं जी, और दूसरे के धन को हड़प लेते हैं जी, जो हिंसा करते हैं जी, ऐसे दुष्ट पापी दुराचारियों के प्राण लेने के लिए इस संसार में मेरे दूत आते हैं जी, मैं क्यों आया हूँ जी? हाँ, आप क्यों आए हो? सत्यवान जी, जो तुम्हारा पति कहलाया देवी जी, क्या बखान करूं इसके गुणों का जी, सत्य वक्ता जी, पितरों को प्रसन्न रखने वाला जी, माता पिता की सेवा करने वाला जी, रूपवान गुणवान बलवान जी, सम दृष्टि वाला जी, हे देवी जी, ऐसे महान प्राणियों के प्राण लेने के लिए संसार में मेरे दूत नहीं जी, मुझे सहमाना होता है देवी। तो क्या भगवान आप मेरे पति के प्राणों की मुझे भिक्षा नहीं दोगे? ओहो नहीं 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 देवी नहीं जी, ये भीख मांगना और देना जी तुम सांसारिक मनुष्यों का कार्य जी, हम देवताओं का नहीं जी, और मैं तुमसे कुछ आशा रखता हूँ देवी। तो ठीक है भगवान, आप जिस काम के लिए आए हैं वो अपना कार्य कीजिए, मैं उसमें कोई बाधा नहीं बनूंगी। धन्य हो देवी जी, यही आशा थी। तेरे मन की ठो ये काल बली ने जान दलन की चक्की जो पति के भरज की आज तलक तो न गठड़ी ढो चकिया करम कर पति के कर्ज से तू पूर्ण हो देवी जी। तुम मेरे पीछे चली आ रही हो? हाँ मैं आपके पीछे आ रही हूँ। नहीं देवी वापस लौट जाओ, जाइए देवी जाइए। देखिए भगवान मैं श्री मित्रता धर्म का पालन कर रही हूँ। मित्रता धर्म का पालन कर रही हूँ बस। तुम मित्रता के धर्म को जानती हो? जानती भी और मानती भी हूँ भगवान। क्या धर्म है मित्रता का? जब किसी अतिथि के यहाँ हाँ। जब किसी गृहस्थ के यहाँ अतिथि आता है, रात भर रैन बसेरा करता है और सुबह ही उठता है और अपने स्थान को प्रस्थान करता है, तो उस गृहस्थ का ये फर्ज और ये धर्म बनता है क्या? कि कम से कम चलकर उसके साथ साथ कदम रखे। ऐसा करने से क्या होता है? मित्रता धर्म का पालन हो जाता है। छोड़ जानती हो? जी हाँ। कैसे? ओ मित्र धर्म कहे संग साथ कदम चलना, इस धर्म को लेकर कहूँ मत नेम से चलना, तत्वदर्शी लोग धर्म से चाहते नहीं हिलना, वनवासी ऋषि कर क्रिया कर्म कुछ मांगते फलना, जो ऋषियों ने कहा मैं उसे ज्ञान में लगी, ओ पीछे पीछे होली चली ज्ञान में।
वास्तव में मित्रता के धर्म को जानने और मानने वाली हो जी। एक स्त्री के मुख से ये मित्रता का धर्म सुनकर बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ देवी जी। तुम पर अति प्रसन्न हूँ जी। अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो देवी। मेरे सास ससुर नेत्रहीन है। हाँ मैं जानता हूँ। उनकी आंखों में ज्योतियाँ जानी चाहिए, उनका राज उनको वापस मिल जाना चाहिए। तथास्तु, जाइए देवी, ऐसा ही होगा। अब भी मेरे पीछे चली जी। नहीं 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 देवी, वापस रुक जाओ जी। मेरा मार्ग बड़ा ही लंबा, बड़ा कठिन और बड़ा दुस्तर है जी। तुम चलती चलती थक जाओगी देवी जी। और ना तो तुम ये जानती कि मैं किस दिशा को जाऊंगा और वहाँ क्या है क्या होगा। किस दिशा को जाओगे? मैं दक्षिण दिशा को जाऊंगा। वहाँ क्या है? अग्नि के लोक हैं। उसका स्वभाव? पांच तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर को जलाकर भस्म करना, ये अग्नि का स्वभाव है जी। अपनी देह के समेत उन लोगों को पार नहीं कर सकोगी, जलकर भस्म हो जाओगी, मुझे बड़ा दुख होगा। ये आपकी भूल है भगवान। वो कैसे? अगर मैंने अपने सास ससुर और पति की सेवा में हाँ भी कमी की होगी तो आपके अग्नि देवता मुझे जलाकर भस्म कर देंगे, और अगर मैंने उनकी सेवा परिपूर्ण की है हाँ। जलाकर भस्म तो दूर भगवान मुझे छू भी नहीं पाऊंगे। वो कैसे देवी? तप वर्त भजन मेरे गुरु का कथन, मैं उस ज्ञान को लगती कुछ कृपा हो प्रभु आपकी, मैं वृथा नहीं भक्ती। जा जाए पति जा चले पति, मैं वो रासिता तकती। अब पति के संग चलने से गति मेरी रुकी नहीं सकती। क्यों क्यों जले पति के मरने की चोट आज मेरी जान में लगी। ओ मैं समझ सकता हूँ जी कि आज आप कितने दुखी हो जी, क्योंकि तुम्हारे पति का साथ तुमसे बिछड़ चला है जी। बड़ा दुख है तुम्हें जी हाँ। लेकिन हम इस दुख सुख से परे हैं देवी जी। हे देवी जी, मैं अपने लोग की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुख से निकले हुए धर्म युक्त वचन जी मेरे पैरों में बेड़ी बनकर मुझे रोक लेते, मैं बढ़ नहीं पाता जी। और ये वचन सुनने की उत्कंठा और बढ़ जाती है देवी जी। बड़ा प्रसन्न हूँ जी। अगर अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई और वरदान मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो देवी। तो मेरे पिता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है हाँ। उनके यहाँ 100 पुत्र औरस हो जाने चाहिए। तथास्तु, जाइए देवी, ऐसा ही होगा। हो संतन इस धर्म को प्रधान कहते हैं, दूसरे तीसरे धर्म को अनजान कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, मिले इस धर्म से परम सुख शुभ अस्थान कहते हैं। लक्ष्मी चंद्र जी की प्रीति सही भगवान माता पिता भी धन्य है जी। बड़े उत्तम कर्म करके तुम जैसी संतान को पाया है देवी जी। उनका भी जीवन सफल हो देवी जी। मैं अपने लोक की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये वचन मुझे बढ़ने नहीं देते जी। हे देवी, आज मैं बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद से विभोर हूँ जी। एक भाव के द्वारा बता सकता हूँ कि कितना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ जी। भगवान बताइए। जैसे कोई प्यास से मर रहा मनुष्य जल के बिना जिसके प्राण निकले जा रहे हो जी, और दूसरा कोई भाग्यवान पुरुष आकर उसके मुख में ठंडा और मीठा जल डाल दे जी, जितना आनंद वो अपने प्राण बचने पर प्राप्त करता है जी, आज मैं स्वयं यमराज उतना ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, आनंद से भी भोर हूँ, तुम प्रति प्रसन्न हूँ जी। अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई और वरदान मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो देवी। तो मेरे यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ भी 100 पुत्र औरस हो जाने चाहिए। तू जाइए देवी, ऐसा ही होगा। ठहरिए भगवान, अब मेरा मार्ग ना रोकिए देवी। आपने क्या कहा है? मैंने सुना है कोई गरीब आदमी लाचार आदमी मजबूरी में झूठ बोलता है। हो सकता है, लेकिन देवता लोग में भी झूठ बोली जाती है क्या? कुछ मैंने असत्य कहा? जी हाँ, मेरे पति के प्राणों को लेकर तुम जा रहे हो, क्या संसार में भी विचारणी बनकर पुत्र पैदा करोगे? नहीं 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 देवी, या तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सही कह रही हूँ, आपने वरदान दिया। या तुमने मुझसे क्या वरदान मांग लिया? मांगा मैंने, लेकिन दिया प्रभु आपने 100 पुत्र औरस जी, और मैंने क्या वरदान दे दिया देवी जी?
आनंद की विभोरता में ये ना जान पाया कि तुम उनसे क्या वरदान मांग रही हो और मैं क्या वरदान दे रहा हूँ। देवी तुमने छल किया है। नहीं भगवान, मैंने छल नहीं किया है। धर्म युक्त वचनों का झांसा देकर मुझे छल लिया। नहीं भगवान, मैं ऐसे नहीं करती। ओह हे देवी जी, एक पतिव्रता स्त्री के बीच में जी और स्वयं यमराज के बीच में ये धर्म का युद्ध था जी। तुमने इस धर्म के युद्ध में यमराज को पराजित किया है देवी जी। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ जी। देवी जी, इस संसार का कर्ता धर्ता और वर्ता क्या मुझे समझ लिया? मैं तो यही मानती हूँ। नहीं देवी, वो मैं नहीं हूँ, वो विधाता तो हो रहे जी। मैं भी उस विधाता के हाथ की कठपुतली हूँ जी। वरदान दे सकता हूँ जी, जीवन दान नहीं देवी जी। भगवान, क्या तुम ये चाहती हो मैं अपने लोक में जाकर निंदा का पात्र बनूं? नहीं भगवान, और देवता मुझ पर उंगली उठाएं के जो धर्म के प्रतीक हैं वो मृत लोक में सत्य वरदान देकर आए हैं, क्या ये चाहती हो तुम? मैं ऐसा नहीं चाहती। हाँ, मेरा अनुमान ठीक है जी कि तुम जैसी धर्मनिष्ठ स्त्री कभी ऐसा नहीं चाहेगी जी। मेरा वचन सत्य कराना चाहती हो जी भगवान, निंदा का पात्र बनने से बचाना चाहती हो जी भगवान। आज यमराज बड़ा विवश है देवी जी, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है जी भगवान। करूंगी मैं। क्या मेरी सहायता करोगी देवी? जी भगवान, अगर तुम मेरी सहायता करोगी जी तो मेरा वचन सत्य होगा जी, वरना नहीं जी। भगवान, मुझसे क्या सहायता चाहते हो? हे देवी जी, तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि तो आज समाप्त हो चुकी है जी, परंतु तुम नहीं जानती कि तुम्हारी आयु कितनी है। नहीं भगवान, मैं ये बात नहीं जानती। मैंने एक निष्ठ होकर अपने सास ससुर और पति की सेवा की है। ये जितना भी ज्ञान मैंने आपको सुनाया है उसी सेवा का फल है। लेकिन भगवान, मैं ये नहीं जानती कि मेरी उम्र की अवधि कितनी है। मैं जानता हूँ देवी जी भगवान, तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की है जी। जो आयु अब तक बीत चुकी है जी, उस आयु को छोड़कर जी बची हुई आयु का आधा भाग संकल्प करके अपने पति के नाम से दोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। सब पुत्र औरस होंगे, मेरा वचन सत्य होगा देवी। भगवान, आप आधा भाग कहते हैं। हाँ, मैं अपनी आयु का पूरा भाग देने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं देवी, नहीं, ये भूल ना कर देना देवी जी। क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में विचार नहीं किया? अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा? क्या परिणाम होगा इसका? अपनी आयु का पूरा भाग अपने पति के नाम से संकल्प करोगी जी, तुम्हारा पति तो जीवित हो जाएगा जी। फिर तुम जीवित कैसे रहोगी? सब पुत्र औरस कैसे होंगे? मेरा वचन सत्य कैसे होगा देवी? ओह भगवान, मुझसे भूल हो गई। शीघ्रता ना कीजिए देवी, धीरज रखिए। मैं जानता हूँ जी तुमने जानबूझकर ऐसा कह दिया होगा ताकि मैं यहाँ से लज्जित होकर ना जाऊं। नहीं भगवान, मैंने संकल्प करोगी आयु का आधा भाग जी। ठीक है, आइए देवी। तथास्तु जी। प्रणाम भगवान। देवी जी, सौ पुत्र औरस होंगे जी, मेरा वचन सत्य होगा। जाइए देवी, आनंद कीजिए, तुम्हारा राज भी तुम्हें मिल जाएगा। सत्यवान के पिता के आंखों में ज्योति भी आ जाएगी, तुम्हारे पिता के यहाँ भी 100 पुत्र औरस होंगे देवी। जाइए देवी, जाइए। भगवान प्रणाम। तो आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त होता है, कल बखब से आना, ये प्रोग्राम होगा। श्री गंगा जी की जय। Thank you.